फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? मैं आ चुका हूँ अभी MG मेट्रो स्टेशन और मुझे जाना है निज़ामुद्दीन स्टेशन। वहाँ से मेरी ट्रेन है आज आगरा की। और भाई, मैं आ गया हूँ स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन और यहाँ से मेरी ट्रेन है 2:40 की। थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ क्योंकि पहले मैं मेट्रो से इधर आया नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल आया। भाई कोई नहीं, 1 घंटे बचेंगे और ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और मैं आज जा रहा हूँ वंदे भारत एक्सप्रेस से, जिससे मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। भाई मैं कर रहा हूँ ट्रेन का इंतज़ार, अभी ट्रेन है लेट। बताइए, वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि इंडिया की सबसे मतलब फास्टेस्ट ट्रेन में एक है, वो लेट है 1.5 घंटे। ट्रेन आई है अब, टाइम था 4:15 का और टाइम हो गया 5। ये है ट्रेन इतनी लेट। भाई ट्रेन अभी आ चुकी है और मैं बैठ गया हूँ। मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ कितनी भीड़ है यहाँ पे। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन लेट भी थी काफ़ी। देखते हैं ये आगरा कितने बजे तक पहुंचाती है। मेरी सीट है 40 नंबर, जो कि विंडो सीट है। भाई अब पहुंचे हैं आगरा और पौने 11, बहुत लेट हैं। देखते हैं यहाँ से क्या कैसे जाते हैं, देखते हैं, चेक करके बताते हैं हाल आगरा का। हाँ, ठंडक बहुत ज़्यादा ठीक है, इतनी झेलने लायक है, और ये कोहरा बहुत है। प्रवेश। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? तो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और हम लोग आए हैं अभी आज गुंजन की मौसी के घर और उन्होंने इनवाइट किया था। तुमने बता दिया? अच्छा, तो भाई अलग अलग वीडियो बना लिया था। तो अभी तो कोई इनका घर बन रहा है, अभी ये इधर बना हुआ है, ये एक पीछे रूम है, ये किचन है, इधर वॉशरूम है और सामने इन्होंने ऐसे करके वो सामने उधर थोड़ा सा वो हाँ? ये है मौसी है, ये मौसी और मम्मी कर रही हैं चुगली चपाटी अभी। और ये है इनका घर, तो मौसी घर के पीछे ये वीडियो बना, पीछे चल रहा है कुछ लड़कों का मैच वगैरह। ये है आद्या और आदि। तो अभी इनका घर बन रहा है और ये इधर गाड़ी पार्क करने के लिए बाहर गार्डन बनाने का प्लान है इनका। और ये है एंट्री, यहाँ पे लगेंगी लाइटें और पूरा ये इंटरलॉक से उधर तक जाएगा, साइड तक पूरा इधर तक बनेगा। ये इनका मौसा जी का ऑफिस है जिसमें वो बैठते हैं, उधर क्लिनिक है, उस पर भी काम चल रहा है। और उधर पूरे में गार्डन बनाएंगे, सब्जियाँ लगी हुई हैं इधर काफ़ी सारी। है क्या ये देखें? हाँ, अच्छा लगता है। बदबू के लिए बदबू सुनो आप, कह रही बदबू सुनो आप। अभी बता लगेगी लाइटिंग, इसमें रेडी हो जाएगा घर, तब पता चलेगा। अभी तो बन रहा है धीरे धीरे, और धीरे धीरे बन रहा है, मतलब पैसे भी चाहिए भाई। भाई बहुत पैसा लगता है बनाने में, अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो सोचते हैं लाइटिंग भी मुझे तो अच्छा लगे, लाइटिंग लग जाएगी तो अच्छा लगेगा। अभी ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो काफी अच्छा लगेगा। ये आगे मालकिन साहिबा घर का घर है, ये अच्छा लगेगा जैसे लाइट वाइट लग जाएगी। ये है मौसा जी की साइकिल,
सब्जी मंडी कैसे कह रही है? ठीक है भाई तेरी आत्मा सही नहीं है, यहाँ पे सब सब्जियाँ लगी हैं, गेट अभी इधर पड़ा है, ये गेट तो लगना है। अच्छा ये खाने की चीज़ है कोई? ये है इधर किचन बास्केटबॉल के लिए, देखो मैं डाल पाता हूँ कि नहीं इसमें। ये घर में थीम रखी है, थोड़ा पूरे घर में थोड़ा गांव स्टाइल भी होना चाहिए, तो ये पूरा गांव स्टाइल के लिए ये गोबर से दीवार करवाई है। ये गांव की थीम, थोड़ा सा घर में गांव की थीम होनी चाहिए, इसलिए उधर स्टार्टिंग का फार्म हाउस का सेटअप के हिसाब से बनवाया है, अभी बन रहा है, काम चल रहा है, और ये पूरा गांव के हिसाब से थोड़ा सेटअप बनाया है जो काम चल रहा है। अभी ये बास्केट डाल रहे हैं, जरा देखो डाल पाते हैं कि नहीं। नहीं डाल पाए बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और मतलब घर में सारी चीजें मिलेंगी आपको, फार्म हाउस का थोड़ा सा वाइब्स भी आएंगी, गांव की वाइब्स भी आएंगी, और हर चीज़ की वाइब्स मैच होगी, तो हर चीज़ सोच समझ कर बनवाया है। और सबसे आगे मौसी जी का क्लिनिक और हॉस्पिटल चलेगा, तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई है। अपनी चाय नमकीन वगैरह नहीं नहीं चाय गिरा रही हो मम्मी तुम। ध्यान तो जाए वीडियो में, ब्लॉग बनेगा कौन से कपड़े ले चलूं मैं? कह रही ब्लॉग बनेगा कौन से कपड़े ले चलूं मैं? कुर्ती रख के लाई हूं। कहाँ जा रहे हो? कहीं भी जाऊंगा, जा रहा हूं मैं तुमको छोड़ के, बाय बाय। साइकिल, अरे तू जा रही? मजे आ रहे। ये मौसम कितना ठंडा हो रहा है। आजा मेरी साइकिल में बैठ जा। ब्लूटूथ कनेक्ट कर ले। तो भाई ये मौसा जी ने ओला की स्कूटी ली थी। अपने आप हो गया, अब गाना लगाऊ? ये सही है। तो भाई गुंजन भी अकेले चला रही है, ज्यादा दूर मत जाना, पैर लगा के रोक रही है। लड़कियों को तो ये आदत होती पैर लगा के ही रोक पाती है। बाहर हमने प्लर दिखाए थे, उसके लिए ये लाइट है। ये एक नंबर। तो भाई ये बन रही है बाजरे की रोटी चूल्हे पे, और मम्मी बहुत मेहनत कर रही हैं, ये चेक कर रही हैं बस कि रोटी बन कैसी रही है। बना नहीं रही है। गजब बेइज्जती है। ये देखो इसको, आज की पैर जमीन पे नहीं। अब हम सब लोग खेल रहे हैं चोर सिपाही का गेम, चोर सिपाही का गेम। चलो, चोर सिपाही, सिपाही भी बोला, गले की वजह से सुनाई दे रहा है, सिपाही का गेम। कैसे खेलेंगे इसको? ऐसे खेलेंगे, आगे ऐसे करना, इसमें पॉइंट लेके जाएंगे, किस पे क्या आएगा। अभी रुको, इधर किसको आदि, इधर बजी बजी बताएगा कौन चोर सिपाही है। जिसके पास बजीर आएगा, जिसके पास राजा होगा, वो बोलेगा मेरा सिपाही बजीर कौन, चोर सिपाही का पता लगाओ।
तो जो वजीर होगा उसको पता लगाना चोर कौन है सिपाही कौन है। अच्छा, और अगर बता आ गया तो एक्सचेंज हो जाएगी पर्ची चोर वजीर की और वो चोर की। हाँ, चोर बेटा वजीर को अपना चुपचाप देखना है, ज्यादा फ्रेम से बाहर मत जाओ, फ्रेम के अंदर आओ। आदि इधर आ जा, कैमरे में नहीं आ रहा, कैमरे में आओ। ओ माय गॉड वजीर कौन है राजा? अच्छा इस कुक करती हूं मेरी राजा इस साइड आओ, आओ इधर साइड आओ। देखिए वजीर कौन है? ये राजा कुक है, मुझे इन लोगों के लिए खाना बनाना है। राजा की मम्मी, मेरा 100 किलो से वजन हो गया कम से कम, अब मैं पूरा तो नहीं बताऊंगी, 55 केजी हो गया है ये ढोकले का। अच्छा ढोकले का, चलो आप आते ऐसे बोलो मेरा वजीर कौन, मेरा वजीर कौन, चोर सिपाही का पता लगाओ, ये चोर सिपाही का पता लगाओ। आगे आ जाओ थोड़ा सा, आगे आ जाओ, ये लो ये लो ये लो, भक्ति भाई का लगे, ये लो देख लो किसका के लिए लगे, मुझे लग रहा है चोर सिपाही। अरे यार फैजा तो चुप रहता, तो बोल दिया मुझे आधी से करके समझ में आ गया था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है आदि के जीरो तुम्हारे मेरे पास हो गया तुम्हारे हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। 1 2 3 ये सेंड तो तेरे का। अरे यार ओ माय गॉड, मेरा वजीर को आ ये जो बच्चों के साथ खेलेगा तो यही होगा। तो बोल के बैठी पीछे से दिख रहा 500 विनर है इसमें। आदि क्या है 77, आध्या क्या है 66 और मेरे आए 56 और गुड्डू पहलवान के आए 3300। गुड्डू पहलवान फेल है जी बेटी। गुड्डू ओ गुड्डू, तुमको कैसा लग रहा है हार के? चोर बनी, चोर बहुत चोर ही सोचो, जो इंसान कापी में इतना चोर बन सकता है वो असलियत में कितना चोर होगा। गजब बेइज्जती है। क्या आप लोग मेरी शक्ल को देख के बता सकते हैं कि मैं चोर हूँ? प्लीज कमेंट करके बताना कौन कौन मुझे चोर बोल रहा है। क्यों मम्मी है नहीं सही बात, चोर नहीं लगती है, स्मार्ट चोर, स्मार्ट चोर, स्मार्ट चोर। द नेक्स्ट मॉर्निंग गुड्डू कह रहे कि तुम नहीं डाल पा रहे हो बॉल, मैं डाल दूंगी, देखो हाँ डालो। अरे यहाँ ही बड़ी पाँच चांस और पाँच चलिए उसी के पास से डाल दो, यहाँ से डालना है, तीन हो गए, यहाँ से तीन हुए, तीन इधर से हाँ लास्ट है। ये क्या बात हुई, क्या बात हुई, हाँ ये बात हुई, बेमानी इंसान, मैं डाल दूंगा, मैं डालो। दौड़ो गए, बस हवा निकल गई, दो मैं अपने आई अकॉर्डिंग कर रही थी, तीन चार अब लास्ट लास्ट बास्केटबॉल का स्टैंड गया। इधर देखो गुड्डू, इधर देखो आदि, तू स्टैंड तू। 3 hours later भाई ये मौसी सूप ले आई है बना के, देखो हम लोग सब आग जला के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं सूप का। VIP लोगों के लिए इसमें कांच में वाइट वाली, मेरे लिए तो भाई कप में है, मैं तो कप में पीऊंगा जिसको जो अच्छा लगे, और ज्यादा तो दिमाग लगाओ जिसको ज्यादा, मेरे लिए था छोटा वाला कम वाला। बाबा भाई ये है सूप मेरा, मेरे को तो कम वाला चाहिए था। ले आ जाओ, चीयर्स, 50 रुपीस शेयर सूप है, खाते में जोड़ लेना, 300 रुपए की अर्निंग होगी, खाते में जोड़ लेना, तुम आओ कहां है।
खुशबू तो मस्त आ रही है। हाँ हाँ कैसा लग रहा है? नमक का बात क्या बोला तूने? नमक तो भाई सूप अच्छा बना है और हल्का सा नमक कम है तो वो हम लोग डाल लेंगे। बाकी सूप अच्छा है, हल्का सा नमक ले आओ। और ये मौसी ने टमाटर से बनाया है, ऐसा नहीं है कि वो तो हम लोग को कम पड़ा। भाई देखो ये भी अलग मजा है, ये जल रही है आग और आराम से हम लोग बैठे हैं। मैं भी उधर ये दो बढ़िया। अभी अभी थोड़ी देर में बस अब मेरा और मौसा जी का काम स्टार्ट होगा पिज्जा बनाने का। बाकी सारी लड़कियां काम पे हैं। काकम नमक मैं तो सही लगे था जो आ जाए वो तो ठीक है। तो पिज्जा की तैयारी चल रही है, ये रखा बेस, ये इसका कौन ये वो टॉपिंग, ये इसकी टॉपिंग है पिज्जा सॉस, टमाटो सॉस, अभी शिमला मिर्च कटने जा रहा है, ये इसके स्वीट कॉर्न है, ये बॉयल अभी बॉयल हो रहे हैं कॉर्न। बस स्टैंड पर रख लेना बनाते टाइम, ये बस अभी हम लोग लगेंगे। तो भाई अभी मैं कर रहा हूँ शिमला मिर्च काट रहा हूँ, ये मम्मी झांक के देख रहे हैं क्या काम चल रहा है, इनको भूख लगी है। देखो भाई इसमें टमाटर लग गया, प्याज लग गया, कॉर्न लग गया, थोड़ी सी मिर्ची, हल्का सा चीज। हाँ आ रहा हूँ, ये आ गई शिमला मिर्च। ये मतलब होममेड वो है, काम चलाओ और अपना कभी कुछ खाना हो तो बना लो। भाई देखो घर का बना बाहर वाले के टक्कर तो नहीं आ सकता, लेकिन ये है घर पे काम चलाओ बन सकता है आराम से। ये आ गई चीज ऊपर से। और तो भाई हम भूल गए थे ओरिगानो और चिली फ्लेक्स, तो हमने बनाया देसी पिज्जा। ओरिगानो है नहीं तो कोई बात नहीं, ये हो रहा है दूसरा पिज्जा तैयार, एक है इसके अंदर। अभी पिज्जा बनके तैयार होता है उसके बाद दिखाते हैं अभी आप। अभी पिज्जा पहला तैयार होने वाला है बस, उसके बाद दिखाते हैं और देखते हैं कि ये देखो ये एक पागल लड़की हम लोग पकड़ के लाए बाहर से, ये देखो भाई चेक करते हैं जरा कैसा हुआ। भाई ये देखो और इन लोगों को देखो, हम लोग कर रहे हैं कुकिंग और ये तीनों लोग तो कैसे बैठे हैं आराम से। हमने सूप बना के देना था वो दे दिया, अब हमारा काम खत्म। मतलब ये समझ लो ये हो रहा है, हम लोग बेचारे तैयार, इसमें पड़ रहा है चिली फ्लेक्स। ये देखो ये है होममेड पिज्जा, इसमें भाई अभी गर्मा गर्म है एकदम, लेकिन फिर भी ये हेल्दी पिज्जा है। अच्छा हमको सिखा रिया है, देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। एक एक बच्चों को दे दो, बच्चों को तू कौन सा बड़ा हो गया, तू भी बच्चा है। बड़ा हूँ, 12 साल का हूँ। बच्चों को ले जाओ, एक बाबा को दे देना, चेक करो। वो कटोरी में रख के लेके जाना भाई। तो अगला लगा है हमारा इसमें, ऐसा करो चीयर्स पिज्जा चीयर्स, खा के देखते कैसे। आपकी नहीं आ रही? अच्छा चीयर्स, खा के देखते कैसे है। बढ़िया भाई बढ़िया है, लूट हो रही है वहाँ, लूट हो रही, मारपीट हो रही, देखो। आपने तो बहुत सारे दुकान वाले फेल कर दिए, कई दुकान वाले नहीं बना पाते, बेचारी मौसी को चटनी चाटने को मिली है। एक नंबर भाई, मजा आ गया।
ये देखो भाई, जरा सा पिज्जा में क्या हल्की सी मिर्च थी, कैसा मुंह हो गया इनका तो। मम्मी आपने तीन खा ली है ना? अब तो हो गया, पुलाव उलाव बनेगा। हाँ पानी पियोगी क्या केवल? गरम केतली में से। ये देखो भाई छुपा के खा रही है ये देखो। हेलो अरे आधा तो दे दो, मुझे दिया था, खा चुके वो। बताओ ठीक डन। यार वहाँ युद्ध हो गया है, कह रही हमको नहीं मिल रहा, हमको नहीं मिल रहा। आदि तेरा काम खत्म अब। मम्मी इतना खा चुकी है पिज्जा अकेले, उसके बाद भी चौथा ही पीस मिला था, आपको एक में से एक मिला है, मतलब मान नहीं रही है। मेरा ये हूँ आ जाए प्लेट, प्लेट छोड़ी।